क्वेश्चन नंबर 85, 85 क्या कह रहा है? अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, वन व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट्स द क्वेश्चन इज 6 विथ नो रिमाइंडर, ठीक है, एंड व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। ओके, सो हम देखो, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई, जिसमें x क्या है 10 डिजिट वाली जो 10 प्लेस पे आती है, 10th प्लेस पे वो डिजिट है, और y क्या है यूनिट प्लेस डिजिट। ओके, सो इसमें क्या कंडीशन क्या है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट द क्वेश्चन इज 6। देखो, हमने इक्वल डिवीजन लेमा से पढ़ा है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, इसमें r क्या है, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है, क्यू क्या होता है क्वोशेंट, और ये होता है जिससे मतलब डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड, और ये नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ए क्या है 10x प्लस वाई, यही तो वो नंबर है जिसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जिससे डिवाइड मतलब जिससे डिवाइड करेंगे q, वो क्या है, वो है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट से हम इसे क्या कर रहे हैं डिवाइड x प्लस वाई, सो ठीक है, नहीं सॉरी ये b होगा, b डिविडेंड, ठीक है, और इसे इस नंबर को x प्लस वाई से डिवाइड करने पे क्वेश्चन कितना आ रहा है 6 और रिमाइंडर 0, इसी में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 6 प्लस 0, ठीक है, तो 10x प्लस वाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस y में 6 का, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 6y। ओके, तो इधर से हमें इक्वेशन क्या मिली, इक्वेशन आई 4x माइनस 5y इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ आगे क्या बोला गया है कि व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब जब भी इस नंबर को हम इस नंबर में से अगर माइनस 9 करेंगे तो क्या होगा, जो नंबर है उसकी डिजिट क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्स का मतलब ये होता है, देखो अपने पास नंबर है 10x प्लस वाई, इसको अगर अगर हम इसमें से माइनस 9 करेंगे तो क्या होता है, नंबर रिवर्स हो जाता है। रिवर्स को हम कैसे लिखते हैं, 10y प्लस एक्स, मीन्स जो 10 डिजिट प्लेस का नंबर, जो 10 प्लेस का डिजिट होता है ना, वो 1 पे चला जाता है, 1 प्लेस पे, और जो 1 प्लेस का डिजिट होता है वो 10 डिजिट पे आ जाता है, ठीक है, मींस ये डिजिट रिवर्स हो जाते हैं एक्स और वाई। जैसे हम अभी एग्जांपल देते हैं, जैसे ये नंबर अपने पास 36, अगर इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या होगा 63, तो हुआ क्या है एक्चुअली कि जो डिजिट्स है ना वो रिवर्स हो गई हैं, ये एक्स है और ये वाई 10x प्लस वाई, तो ये अब क्या हो गया है 10 इंटू 6 प्लस 3, सो हुआ क्या है एक्चुअली डिजिट्स क्या हो गई है रिप्लेस हो गई। सो हमारे पास एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नाइन एक्स 10x में से माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा 9x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 9 बाय इक्वल टू 9, ठीक है, तो यहां से एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आया 1, टेक इट इक्वेशन सेकेंड। ओके, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन
first and second. So हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अपने पास क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल टू जीरो। सो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, और सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस 4x हो जाएगा, ये प्लस 4y हो जाएगा, ये माइनस 4, ठीक है। तो 4x से 4x क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और माइनस 5y प्लस 4y कितना हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू माइनस 4, तो y इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, x माइनस y इक्वल टू 1, तो x माइनस 4 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आया अपने पास, 5, ठीक है। सो x और y की वैल्यू मिल गई हमें, x की क्या है 5 और y की 4, तो नंबर हमने क्या लिया था, 10x प्लस y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 प्लस 4, जो कि हो जाएगा 54, तो दिस इज द नंबर, ओके।